खबर वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। चतुर्बोध कुंभ के 11वें दिन समापन समारोह में रविदास मंदिर के महंत श्री भारत भूषण जी महंत अमृतनंद जी की उपस्थिति में सभी साधु संत जन समुदाय उनका स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि उपस्थित होकर सभी लोगों ने सन्यासी संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसकी पूर्णावती पर 51 कुंभों पर हमारे सभी साधकों द्वारा यज्ञ संपन्न किया गया। मुख्य यजमान हमारे श्री गुरुदेव थे और उसके पश्चात नौ कन्याओं का भोजन और कुछ लोगों का मुंडन संस्कार। इसके बाद समापन समारोह 2 बजे संपन्न होने वाला है। क्या कहना चाहेंगी इस कथा के समापन को लेकर के भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कथा के समापन का अभिप्राय यही है कि हमारे जो भी साधक भाई बहन दूर दूर से आए हैं, जिस ज्ञान को वेदों के इस ज्ञान को उन्होंने 11 दिनों तक लगातार श्रवण किया है, अब हमारा दायित्व है कि हम इस संदेश को जो विश्व धर्म प्रवर्तन का हमारे सर्वदेव का संदेश है जन जन में हम इस शुभ ज्ञान को प्रसारित करें। और आज से हम यह संकल्पित हुए हैं कि इस ज्योतिर्धाम में भगवान विश्वनाथ की ज्योतिर्मय प्रतिमा की प्रतिष्ठा होगी। इसमें हमारे सभी साधक बंधु साधक आमंत्रित किए गए हैं। काशी की भूमि से काशी की धरती पर भगवान विश्वनाथ की ज्योति रूप में प्रतिष्ठा करेंगे और अपने श्री गुरुदेव के परम आराध्य स्थित प्रज भगवान श्री नागा बाबा का एक सुंदर स्मृति मंदिर बनाएंगे, जो स्थित प्रज अवस्था में उनका जीवन था, इसलिए उस मंदिर का नाम स्थित प्रज स्मृति मंदिर होगा। मंदिर कब से बनना आरंभ होगा? मंदिर का भूमि पूजन समारोह हो चुका है। अब हम सब जो यहाँ का परमिशन आदि जो भी कार्य कानूनी है उसको पूर्ण करने के बाद हम लोग मंदिर पत्थर का बनाने वाले हैं। जो भगवान श्री राम के मंदिर में पत्थर लगा हुआ है उसी पत्थर से भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट ऊंची होगी और यह धाम स्मृति मंदिर के नाम से स्थित स्मृति मंदिर विश्व धर्म का यह संदेश जन जन में प्रसारित होगा और ज्ञान की यह परंपरा यहाँ से प्रारंभ होगी और इस विश्व गुरुकुल में अपने सनातन का शिक्षण भी प्रारंभ किया जाएगा। आज समापन है, क्या कहना चाहेंगे समापन को कथा को? श्री गुरुदेव प्रभु के आशीर्वाद, नागा बाबा की स्मृति में जो यह आज चतुर्थ स्वबोध कुंभ चल रहा था, आज इसकी पूर्णावति हो रही है। हमारे स्वामी जी आचार्य माँ सरोजिनी माता जी की कृपा से और ये देश विदेश से आए हुए जो संत समाज थे उनके सहयोग से आज यह चतुर्थ स्वबोध कुंभ का पूर्णावति हुआ, यज्ञ आहुत हुआ और आज एक विशाल भंडारा कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम को मतलब अनुभूति अगर करें तो इस तरह की अभी तक मैंने उम्र में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं देखा था, जहां इतनी समरसता प्रेम और एकता का ये है, जहां पे किसी प्रकार का कोई जाति पाति का बंधन नहीं है, चाहे वह किसी जाति धर्म मजहब का हो, एक साथ मिल करके भोजन किए, एक साथ बैठे, एक साथ पूजन पाठ किए, यह अनुभूति एक स्मरणीय अनुभूति है और प्रभु की इच्छा अगर इसी प्रकार से बनी रही तो यह स्वबोध आश्रम दिन दुना राज चौगुना इसी प्रकार से प्रफुल्लित रहे, यही प्रभु श्री से हम कामना करते हैं। ओम श्री आनंद सतगुरु श्री चरण कमल नमः। स्थित प्रति भगवान श्री नागा बाबा की जय। परम पावन स्थित प्रति भगवान श्री नागा बाबा की जय। श्री आनंद प्रभु की जय। मैं अमेरिका से आया हूँ, ये विश्व धर्म सबोध विश्व धर्म के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पण करने के लिए आए हैं। हम लोग समर्पण करेंगे और प्रभु आप सब भी प्रसार प्रसार कीजिएगा कि स्वबोध विश्व धर्म को
धर्म के लिए जन जन तक पहुँचे। ये सत्य सनातन धर्म है। इस सत्य सनातन धर्म किसी को भी भेदभाव नहीं करते हैं। समभाव, समदृष्टि, समगोचर होकर के सबको एक ही समझते हैं, सबको आनंद देते हैं। ये जो आनंद प्रभु जो ओम आनंद बोलते हैं ना, ये आनंद आपको भीतर में आएगा, सबको जन जन में भीतर में आएगा। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये विश्व मंदिर बन रहा है।